क्या आपने कभी पानी से चलने वाली बाइक देखी है? और क्या आपने कभी सोने के रेजर से शेविंग करवाई है? और हॉस्पिटल में ज्यादातर व्हाइट कोट क्यों पहनते हैं? और भारत का सबसे पहला नक्शा किसने बनाया था? ऐसे ही मजेदार फैक्ट जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नंबर 1, गोल्डन टेम्पल में 750 किलो गोल्ड का उपयोग किया था, लेकिन तमिलनाडु में वेल्लोरे में महालक्ष्मी जी का टेम्पल है, वहाँ पे 1500 किलो गोल्ड का उपयोग किया था, मतलब गोल्डन टेम्पल से दुगना। नंबर 2, ये जो स्क्रीन पे भगवान वेंकटेश की पेंटिंग देख रहे हो, वो मशहूर कॉमेडियन ब्रह्मानंद ने पेंटिंग की है और ये उसने अल्लू अर्जुन को गिफ्ट दी है। नंबर 3, जापान में मूवी थिएटर के टॉयलेट में भी स्क्रीन लगी होती है ताकि दर्शक को एक मिनट के लिए भी मूवी मिस ना करनी पड़े। नंबर 4, हिटलर को हर बार ये डर लगता था कि कोई उसको जहर देके मार न दे, इसलिए वो अपने साथ हमेशा एक फूड टेस्टर साथ रखते थे। पहले वो फूड टेस्टर खाता था, फिर हिटलर। नंबर 5, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा स्टैंडिंग ओवेशन तब था जब चार्ली चैपलिन को ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, तब लोगों ने 12 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाई थी। नंबर 6, क्या आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी स्कूल लखनऊ में है, सिटी मोंटेसरी स्कूल। नंबर 7, क्या आपने कभी नॉन विजिबल आर्ट के बारे में सुना है? मतलब एक तरह की ब्लैंक तस्वीर और उसके सामने आप कुछ भी इमेजिन करके देख सकते हो और इसकी प्राइस 8 लाख रुपए है। नंबर 8, एमएस धोनी मूवी में कियारा आडवाणी ने जो शादी का जोड़ा पहना था वो एमएस धोनी की पत्नी साक्षी का ही था। साक्षी ने कियारा को शूटिंग में दिया था ताकि वो रियल दिख सके। नंबर 9, क्या आपको पता है जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल और उसकी सीनियर मैनेजमेंट टीम 3 महीने में एक बार वो खुद ऑर्डर की डिलीवरी करते हैं ताकि वो उनके डिलीवरी बॉय को आने वाली तकलीफ को समझ सके। नंबर 10, एक स्टडी के अनुसार गाय के घी से हवन करने पर 1 टन जितना फ्रेश ऑक्सीजन उत्पादन होता है, इसलिए सभी मंदिर और धार्मिक कार्यों में गाय का घी ही यूज करते हैं। नंबर 11, भारत में द मैटरनिटी बिल 2017 के अनुसार कोई प्रेग्नेंट महिला 12 वीक से 24 वीक तक छुट्टी ले सकती है और उसकी सैलरी भी नहीं काट सकती। नंबर 12, पटियाला में रहने वाले अवतार सिंह मुनि 645 मीटर लंबी पगड़ी पहनते हैं। ये दुनिया की सबसे लंबी और बड़ी पगड़ी है और इसका कपड़ा कुतुब मीनार से भी लंबा है। नंबर 13, माउंट एवरेस्ट का सही नाम एक व्यक्ति के नाम से पड़ा था। जॉर्ज एवरेस्ट नाम के व्यक्ति 1865 में पहली बार इस पहाड़ की ऊंचाई और लोकेशन बताई थी, तब से इसका नाम माउंट एवरेस्ट पड़ गया। नंबर 14, भारत में टेलीविजन सर्विस 19 सितंबर 1959 में हुई थी और 1972 तक सर्विस बढ़ा के अमृतसर और मुंबई तक हुई थी और 1982 में पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण शुरू हुआ था। नंबर 15, एमपी में स्थित भीम कुंड एक रहस्यमय कुंड है, महाभारत काल के दौरान भीम ने अपनी गदा मार के बनाया था। इसकी गहराई का आज तक किसी को पता नहीं चला और जब समुद्र में आपदा आने वाली होती है तब इसमें अपने आप पानी बढ़ जाता है। नंबर 16, दुनिया की सबसे डरावनी मूवी 1973 में द एग्जॉस्टिक मानी जाती है। एक सर्वे के मुताबिक इस मूवी से 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। नंबर 17, आजकल तो हम किसी भी देश को मैप से देख सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है भारत का सबसे पहला नक्शा किसने बनाया था? कैप्टन जेम्स रेनेल, जो भूगोल के पिता माने जाते थे, उसने 1783 में सबसे पहले भारत का सही नक्शा बनाया था। नंबर 18, हॉस्पिटल में ज्यादातर डॉक्टर व्हाइट कोट पहनते हैं, ऐसा इसलिए होता है कि सफेद कलर को शांति का प्रतीक माना जाता है। हॉस्पिटल में आकर मरीज तनाव भरे माहौल से पॉजिटिव रहे और इससे मरीज जल्दी ठीक हो सके। नंबर 19, पुणे में एक सलून है, वहाँ पे सोने के रेजर से सेविंग करते हैं और एक बार सेविंग का वहाँ पे 100 रुपया चार्ज लगता है। नंबर 20 से पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि अगली वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नंबर 20, यामाहा कंपनी 2025 तक XT500H2O लॉन्च करने जा रही है, जो पेट्रोल से नहीं बल्कि पानी से चलने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।